हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आपके काफी सारे कमेंट्स मुझे मिले अबाउट दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मैंने थियरी क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में फोकस करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर हो सकते हैं एंड इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसके भी आपके काफ़ी सारे रिविजन्स हो जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आप टेक्स्ट बुक अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से ले लेना और उसके बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशंस को कर सकते हैं तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक्स है दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड हमारा जो एक चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे लेजर्स है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो अगर हम स्टेप्स uh, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग बोले तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको देखने मिलेगा तो ये आपको पहले पढ़ना है कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है वो पढ़ना है और टारगेट कॉस्टिंग के जो वेरियस स्टेप्स है वो आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस है दैट यू हैव टू स्टडी देन नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो जो कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर है दैट मीन्स दी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट उसमें से जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है देन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का वो आपको पढ़ना है देन आपको एम पढ़ना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मार्जिनल कॉस्टिंग का आपका टॉपिक है उस टॉपिक से आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पढ़ना है हम अगले पार्ट में जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आपको क्वेश्चन पढ़ना है देन आपको पढ़ना है मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस तो मटेरियल वेरिएंसेस आप सभी को पता है मटेरियल प्राइस मटेरियल यूसेज मटेरियल कॉस्ट सिमिलरली लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी लेबर कॉस्ट मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं दो चैप्टर के कम से कम आपको आठ आठ वीडियोस मिलेंगे सारे लेवल्स उसमें सॉल्व कर दिए है प्ले में जाइए सारे वीडियोस देखिए और ये चैप्टर आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें कंसेप्ट आते हैं नॉर्मल लॉस एब लॉस एब गेन तो उसको आपको पढ़ के जाना है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है ब्रेक इवन पॉइंट हम कह सकते हैं या ब्रेक इवन सेल्स हम कह सकते हैं तो इसके बारे में आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज कॉल्ड एज पी तो पी भी आपको पढ़ना है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्क सर्टिफाइड क्या होता है वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपको वो पार्ट पढ़ना है कि कब वन थर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर होता है नोशनल प्रॉफिट का कब टू थर्ड ट्रांसफर होता है कितना परसेंटेज आपका लेवल ऑफ कंप्लीशन रहेगा या परसेंटेज ऑफ वर्क डन रहेगा तो आपको कितना परसेंट रिजर्व में भेजना है वो सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ये हमने पहले लिखा वही पॉइंट है नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेक्स्ट होता है रिटेंशन मनी रिटेंशन मनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में से है नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो लेवल्स है उसके लिए भी आपको वीडियोज मैंने बना के दे दिए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट आपका है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो इतने 18 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे थियोरटिकल चीजें जो चैप्टर से रिलेटेड है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके क्लियर हो सकते हैं तो ये सारे चीजों के ऊपर फोकस करें ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आए थे उनमें से ढूंढ के निकाले हैं तो वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और इसी तरीके के लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लास्ट मिनट रिविजन का एप डाउनलोड कर ले सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है टेलीग्राम लिंक इंस्टाग्राम लिंक सब कुछ अवेलेबल है सारे साइट से कनेक्ट हो जाए बिकॉज मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूं थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर